वही हल्द्वानी में भीषण गर्मी में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुरा, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंच रहे हैं। वही अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी के चलते विभाग के भी हाथ बंधे हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगह ट्यूबवेल खराब है और पेयजल टैंकरों से भी पेयजल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। इधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के एल लोशासी का कहना है कि हल्द्वानी शहर में 82 MLD पेयजल की खपत है, उसके सापेक्ष 76 MLD पानी की उपलब्धता है, बाकी टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजाजाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपये इन्होंने बर्बाद कर दिए, पैसा पानी में चला गया लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें, अन्यथा मैं जनता को ले करके आंदोलन करूँगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जल संस्थान का होगा। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आज अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारा न्यायपालिका में विश्वास है। नलकूप के माध्यम से और साथ ही जो हमारा ये फिल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर जिस रूप में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं, और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का, उमाऊ कॉलोनी का, वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका इंदिरा ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है। कि लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए, और साथ ही हमने वहाँ टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। हमारे बनभूपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लत इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर शीघ्र अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इतनी भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, और दोनों वार्डों में कम से कम 1,000 परिवार पानी की वजह से वंचित हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है।